और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और केवल मैंने ही नहीं देखा है बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्यकुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है। और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की दिशा मनोदशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और साथियों, पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है।
और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव का अनुमोदन करें। साथियों, सभी को हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में